हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल इंडियन ऑटो कार। आज मैं अपनी इस वीडियो में किया सेल्टोस फेसलिफ्ट 2023 जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है उसकी बात करूंगा। मैं आपको इसकी प्राइसिंग, वेरिएंट और फीचर्स के बारे में बताऊंगा। और रही प्राइसिंग की बात, तो भाई जो पुरानी वाली अपनी जो इससे पहले वाली किया सेल्टोस थी ना, वो उसमें और इसमें लगभग 9-10 हज़ार का ही फ़र्क देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप किया सेल्टोस लेने जा रहे हैं और ये डिसाइड करना है कि भाई कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें ना आपको इंजन कौन से मिलने वाले हैं। भाई इसमें ना 3 इंजन ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। देखो, पहला तो होगा इसमें स्मार्ट स्ट्रीम G1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन जो कि मैक्सिमम पावर 115 PS की और मैक्सिमम टॉर्क 144 Nm का जनरेट करेगा। और ये आपको 6 मैनुअल गियर ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन दोनों में मिल जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूँ दूसरे इंजन की जो कि है टर्बो इंजन, ठीक है। स्मार्ट स्ट्रीम G1.5 TGDI पेट्रोल 4 सिलेंडर इंजन जो कि मैक्सिमम पावर 160 PS की और मैक्सिमम टॉर्क 253 Nm का जनरेट करेगा। और इसमें आपको 6 IMT और 7 ड्यूल कैच क्लच ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलेगा जिसे DCT कहते हैं। और IMT का मतलब होता है भाई इसमें आपको जो है ना क्लच नहीं मिलेगा, बाकी अपना जो ट्रांसमिशन है वो मैनुअली मिलेगा। अब करते हैं तीसरे इंजन की बात जो कि है भाई डीजल वाला 1.5 लीटर का CRD VGT 4 सिलेंडर डीजल इंजन जो कि मैक्सिमम पावर 116 PS की मैक्सिमम टॉर्क 250 Nm का जनरेट करेगा। आपको 6 IMT गियर ट्रांसमिशन और 6 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये मिल जाएगा। अब ये इंजन ऑप्शन आपको कौन कौन से ट्रिम में मिल जाएंगे ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अब बात करते हैं भाई स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की जो आपको फ्रॉम द बेस वेरिएंट मिलने वाले हैं। 6 एयरबैग, ABS, BAS यानी ब्रेक असिस्ट सिस्टम, ऑल व्हील डिस्क, ESC, VSM यानी व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, HAC हील होल्ड अपना असिस्ट कंट्रोल, ठीक है, और ESC इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है, और रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड सेंसिंग, ऑटो गियर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, फ्रंट एंड रियर ऑल सीट्स, 3-point belt विथ रिमाइंडर। तो ये सेफ्टी फीचर मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं बेस वेरिएंट की, HTE में आपको क्या क्या मिलने वाला है। हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प, 16 इंच के व्हील विथ व्हील कैप, फैब्रिक सीट्स, 2 केबिन लैम्प, फ्रंट केबिन एंड रियर केबिन दोनों में मिल जाएंगे आपको, शार्क व्हील एंटीना, फुल डिजिटल क्लस्टर 4.2 इंच का, सी टाइप, USB चार्जर फ्रंट एंड रियर दोनों केबिन में, टिल्ट स्टेयरिंग एडजस्टमेंट मिलती है आपको, ऑल पावर विंडो मिल जाती है भाई, ड्राइवर साइड सीट हाइट एडजस्टमेंट भी मिल जाती है, एडजस्टेबल फ्रंट हेडरेस्ट, रियर AC वैन, रियर डोर सनशेड भी देखने के लिए मिलेगी आपको, जो मतलब कर्टन होंगे ना पीछे वाले वो आपको मिल जाएंगे पीछे वाले केबिन के लिए। अब इसका एक्सचेंज प्राइस रहेगा 10,90,000 से शुरू होगा, बट इसमें आपको ना कलर ऑप्शन दो ही मिलने वाली हैं, स्पार्क लाइन सिल्वर एंड क्लियर वाइट, बस यही दो ऑप्शन मिलेंगे इसमें दो कलर के बस। ये आपका बिल्कुल बेस वेरिएंट। अब चलते हैं HTK वेरिएंट जो इससे ऊपर है जो कि 12,09,900 से शुरू होगा। इसमें आपको प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलैम्प, प्रोजेक्टर फॉग लैम्प, फ्रंट एंड रियर मड फ्लैग, 8 इंच का स्क्रीन टच इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ होगा, और स्टेयरिंग माउंटेड, मीडिया कंट्रोल, ऑल डोर स्पीकर, फ्रंट ट्विटर, USB टाइप ए पोर्ट भी मिल जाएगा इसमें आपको, ड्राइवर साइड विंडो ऑटो डाउन मतलब ऑटो डाउन मिलेगी, ऑटो अप का ऑप्शन नहीं मिलने वाला इसमें, बूट स्पेस में आपको लाइट मिल जाएगी, फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाएगा, रियर पार्किंग कैमरा विथ गाइडेंस मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM देखने के लिए मिल जाएंगे, फोल्डेबल नहीं होंगे। अब बात करते हैं HTK प्लस की जिसमें की प्राइसिंग 13,50,000 से शुरू होगी, और इसमें ना आपको ड्यूल पैनोरामिक सनरूफ यानी इस वेरिएंट से आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलने वाली है, 16 इंच का मेटालिक एलॉय व्हील, साउंड मूड लैम्प, पुश स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइवर साइड विंडो ऑटो अप एंड डाउन मतलब ऑटो अप डाउन का आपको सिस्टम मिलने वाला है, इलेक्ट्रिकली ऑटो फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ORVM, क्रूज कंट्रोल विथ मैनुअल स्पीड लिमिट के साथ, और रियर डिफॉगर विथ रियर वाइपर एंड वॉशर और पार्शियल ट्रे LED DRS भी आपको इस वाले वेरिएंट में मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं HTX की जिसका एक्सशोरूम प्राइस शुरू होगा 15,20,000 से, ड्यूल पैनोरामिक सनरूफ, LED हेडलैम्प, LED कनेक्टेड टेल लैम्प, ठीक है, और LED आइस क्यूब फॉग लैम्प, टर्न इंडिकेटर वो भी LED में, DRL अपनी LED में, केबिन लैम्प, और 17 इंच का एलॉय व्हील, लेदर रेट सीट्स मिल जाएंगे इसमें, आर्मरेस्ट जो कि डोर पे भी मिलेगा आपको, और इसमें एयर प्योरीफायर, और 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ
वायर्ड मिलेगा, वायरलेस नहीं मिलेगा आपको एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले, किया कनेक्ट विद ओटीए मैप, एलेक्सा असिस्ट मिलेगा आपको इसमें, ऑल पावर विंडो विद ऑटो अप डाउन मिल जाएंगे इसमें, सारी जो विंडो होंगी वो आपको अप डाउन मिल जाएंगी ऑटो, और 60-40 का इसमें आपको रियल की वो मिलने वाली है सीट, और पैडल शिफ्टर इन AMT में मिलेगा, पैडल शिफ्टर सिर्फ आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट में मिलेगा। अब बात करते हैं HTX प्लस की, जिसका एक्सशोरूम प्राइस शुरू होगा 8,30,000 से, और 17 इंच का क्रिस्टल कट अलॉय व्हील इसमें मिल जाएगा, वायरलेस मोबाइल चार्जर इसमें मिलने वाला है, फुल्ली डिजिटल क्लस्टर, 10.25 इंच का कलर MID डिस्प्ले आपको मिलने वाला है इसमें, ठीक है, MID डिस्प्ले आपको 10.25 इंच की इसमें मिलने वाली है डिजिटल क्लस्टर के साथ, और 8-way इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको ड्राइवर सीट मिल जाएगी, UV कट ग्लासेस मिलने वाले हैं, फ्रंट की विंडशील्ड और अपने जो जितनी भी विंडो है ना वो सब विंडशील्ड आपको UV कट मिलने वाली है, और बॉस का साउंड सिस्टम विद 8 स्पीकर मिलने वाला है, आइस क्यूब LED फॉग लैंप भी इसमें मिलने वाले। अब बात करते हैं GTX प्लस की, जिसका एक्सशोरूम प्राइस शुरू होगा 19,80,000 से, और 18 इंच का ग्लॉसी अलॉय व्हील, डी कट स्टेयरिंग, स्पोर्टी अलॉय व्हील पैडल, एडास लेवल 2 आपको यहां से मिलना शुरू हो जाएगा, 360 डिग्री व्यू कैमरा, रेन सेंसिंग वाइपर, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विथ आउटर होल्ड। अब बात करते हैं X-Line वेरिएंट की, इसमें आपको ना 8 इंच का HUD यानी हेड अप डिस्प्ले, ग्लॉसी ORVM, ग्लॉसी ब्लैक स्किड प्लेट इन फ्रंट एंड रियर मिलने वाली है। तो ये है थी फीचर की बातें, अब करते हैं प्राइसिंग की बातें। प्राइसिंग जैसा कि आप अपने डिस्प्ले में देख सकते हैं, प्राइसिंग की लिस्ट ड्यूल टोन के लिए आपको थोड़ा सा पैसे और देने होंगे। तो ये थे किया सेल्टोस की वेरिएंट के मुताबिक बातें, इसके वेरिएंट वैसे 3 ही हैं, अपना टैगलाइन जिसमें हमारे HT वेरिएंट सारे इसमें लिंक रहते हैं, और एक आता है हमारा इसमें इससे ऊपर वाले में आता है भाई GT Line और X Line। तो ये था भाई सारा मैंने आपको बताने की कोशिश करी, आई होप कि आप आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में।